प्रिय भक्तों, इस कथा में परीक्षित बनकर के कथा का रसपान करते हुए जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं भैया श्री मान श्याम सुंदर गुप्ता जी, मैया श्रीमती गायत्री देवी गुप्ता जी, पुत्र सौरभ गुप्ता जी, पुत्र वधु राधिका गुप्ता जी, वंश गुप्ता जी, समस्त कुचिया परिवार, स्वर्गीय श्री दुर्गा प्रसाद कुचिया जी, स्वर्गीय श्री रानी देवी जी की पुण्य स्मृति में ठाठीपुर ग्वालियर की पावन धरती से आप हैं मेहोना वाले, आपकी ओर से यह दिव्य कथा हम सभी श्रवण कर रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। जिस कुटुंब में, जिस खानदान में, जिस परिवार में श्रीमद् भागवत की कथा होती है, वह परिवार भगवान की विशेष कृपा होती है उस परिवार पर, क्योंकि बिना भगवत कृपा के जीवन में यह काम होना असंभव है। आप पूरे परिवार के साथ यहाँ आए श्री श्याम सुंदर जी और मैया गायत्री देवी, एक पिता का धर्म जो होता है वह आप पूरा कर रहे हैं। पिता का काम केवल ये नहीं होता कि आप अपने बेटों को जमीन जायदाद दे दें, सोना चांदी दे दें, बल्कि माँ बाप का ये भी कर्तव्य होता है कि आप अपने बच्चों को संस्कार दे दें, क्योंकि बंटवारे में जमीन जायदाद तो सबके हिस्से में आती है पर संस्कार तो किसी किसी के हिस्से में जाते हैं, और ये संस्कार बिना माता पिता के नहीं मिलते। और माता पिता चाहें तो अपने बच्चों को इसी बहाने आप कथा सुनते हैं तो बच्चे भी जुड़ जाते हैं, और एक बार जुड़ गए तो सदा के लिए वो जुड़ाव हो जाता है। इसलिए हर पिता का कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को संस्कार देकर जाएं, आपका भी कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को देकर जाएं, वरना कहा गया है कि माता शत्रु पिता वैरी येन वालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वह माता पिता शत्रु है, जो माता पिता अपने बच्चों को सही शिक्षा और सही संस्कार नहीं देते। माता शत्रु पिता वैरी येन वालो न पाठिता, वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते नहीं, संस्कार नहीं देते। न शोभते सभा मध्य, जैसे हंसों की सभा में कौआ शोभा नहीं पाता, ऐसे संस्कारवानों की सभा में असंस्कारी व्यक्ति शोभा नहीं पाता, शिक्षित लोगों के बीच में अशिक्षित व्यक्ति शोभा नहीं पाता। इसलिए जीवन में शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा कोरी शिक्षा नहीं, संस्कार सहित संस्कार युक्त शिक्षा। और संस्कार आज समाज में कम देखने को मिलते हैं। संस्कार देने की जिम्मेदारी आप सबकी है, हम सबकी है। आज समाज में कितनी बड़ी विडंबना है जरा हम समझते हैं, छोटी सी बात कहकर। आप बहुत पढ़े लिखे, आप यहाँ जितने लोग बैठे हैं लगभग सब बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे, आप सब पढ़े लिखे ही हैं, पर देखो हमने शिक्षा तो पकड़ ली पर संस्कार छोड़ दिए। सोच नई हो आज की हो, सोच नई हो आज की हो, पर संस्कार तो संस्कार होते हैं, संस्कार नए नहीं होते, संस्कार नए नहीं होते, संस्कार तो हमेशा पुराने होते हैं, क्योंकि हमेशा बाप दादों के संस्कार ही संतान पर होते हैं, पढ़ते हैं तो पुराने कहलाएंगे। बाप दादों के संस्कार मेरे अंदर आए, मेरे संस्कार बच्चों के अंदर जाएंगे तो बच्चों के लिए संस्कार तो पुराने कहलाएंगे। तो सोच नहीं रखो पर संस्कार पुराने रखो। और पुराने संस्कार क्या कहते हैं, जैसे आप लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, अब बताओ कि भारत का पहनावा पैंट शर्ट रहा है या धोती कुर्ता रहा है, बताओ। आपके दादाजी नाना जी क्या पहनते थे, कुर्ता धोती, धोती कांच लगाकर, पर्दनी भी बोलते हैं। लेकिन आज यदि मैं आपसे कहूं कि आप संडे की संडे
धोती कुर्ता पहनकर शॉपिंग करने जाओ, बाजार जाओ, काम पर जाओ, अपने दोस्तों के घर जाओ, दोस्तों से मिलने जाओ, तो धोती और कुर्ता पहनकर जाओ तो आप कहेंगे महाराज जी हमें शर्म आती है। मतलब सोचिए कितनी बड़ी विडंबना और कितना बड़ा दुर्भाग्य मेरे देश का कि अपनी संस्कृति अपने संस्कारों का पालन करने में आज लोगों को शर्म आ रही है। कितनी शर्म की बात है, ये शर्म की बात है या नहीं? अपने संस्कार अपना पहनावा आज हम उसकी बात करें और आप यदि उसे पहने तो कुछ लोग तो पहन लेते हैं पर कुछ लोग कहते हैं नहीं जी हमें तो शर्म आती है। शराब पीने पर आपको शर्म नहीं आती, शराब पीने में शर्म नहीं है, गांजा पीने में शर्म नहीं है, उल्टे सीधे काम करने में शर्म नहीं है, झूठ बोलने में शर्म नहीं है, निंदा चुगली कपट करने में शर्म नहीं है, दिन भर तुम चुगली करते हो उसमें शर्म नहीं है, लेकिन धोती कुर्ता पहनने में और माथे पर तिलक लगाने में लोगों को शर्म आती है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कौन बचाएगा आपके धर्म को आपकी संस्कृति को यदि आप ही हाथ खड़े कर लेंगे तो। इसलिए माथे पर तिलक लगाइए, धोती कुर्ता पहनिए और गर्व से कहिए कि धरा ये जिस पर घूम रही हम उसी केंद्र के बिंदु हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम सनातनी। इसलिए संस्कार आप ही बचाएंगे और आप ही संस्कारों को मारेंगे। हत्यारे भी आप हैं और जीवनदाता भी आप हैं। अब आप ये देखना कि आप हत्या करना चाहते हैं अपने संस्कारों की या उनको जिलाना चाहते हैं, उनके प्राणों की रक्षा करना चाहते हैं। यदि आप अपने संस्कारों की रक्षा करना चाहते हैं तो माथे पर तिलक लगाना सीखिए। पुरुष भी लगाएं और स्त्रियां भी लगाएं। पुरुष ऐसे तिलक लगाएं माथे पर जैसे ये दास अनिरुद्ध ने लगा रखा है। माथे पर दो ऊर्ध्व पुंड लगाएं। तिलक इसलिए लगाया जाता है इस भाव से कि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण है, बीच में माता लक्ष्मी जी और यह नीचे चरणों को रखने की आसन है। माताएं स्त्रियां भी तिलक लगाएं, व्हाइट कलर का वी बना के, वी आपकी जो बिंदी है उस बिंदी के नीचे व्हाइट कलर का वी बना के ऐसे जैसे मैया ने लगा रखा है, और खड़ा लाल, ये तिलक स्त्रियों को ऐसे लगाना चाहिए और पुरुषों को भी लगाना चाहिए। धोती कुर्ता पहनना चाहिए, हफ्ते में कम से कम एक दिन तो पहनो। और बच्चों को मुझे लगता है कि हम भारत के लोग हैं, पैंट शर्ट विदेशी पहनावा है। अरे भारत के स्कूलों में कम से कम एक दिन तो बच्चों को धोती कुर्ता में बुलाना चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। आज हम भारत के लोग अपनी संस्कृति की भीख मांग रहे हैं कि भैया थोड़ा बचा लो अपनी संस्कृति को। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। आपके दादा परदादा, आपके नाना, इनको देखो, सब धोती पहनते थे। पहले के बूढ़े उस संस्कृति उस धर्म को बचाए उन्होंने रखा, उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। अब जिम्मेदारी आपके कंधे में और हमारे कंधे में है। अब वो सनातन, वो संस्कृति, वो संस्कार चाहे तो आप बचाओ, चाहे तो आप मिटाओ। इसलिए हफ्ते में एक दिन धोती कुर्ता पहनना सीखो, माथे पर तिलक लगाना सीखो। और शर्म उसे आए जो शराब पीता है, शर्म उसे आए जो झूठ बोलता है, शर्म उसे आए जो समाज को, बहन बेटियों को गंदी निगाहों से देखता है। अरे उसे किस बात की शर्म जो माथे पर तिलक लगाए और धोती कुर्ता पहन के और सदा अपनी वाणी में सत्य को रखे। अपनी वाणी में किसको रखें? सत्य को। लेकिन आज लोग अपने मुंह में सत्य को ना रखकर तंबाकू रखते हैं, गुटखा रखते हैं,